तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगंधगुणातान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तु ते सप्त कांचर गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण भानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जी माता जी बताइए। दस नाम अपराध। भगवान नाम पहला है, भगवान नाम का प्रचार करने वाले महाभक्तों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवों के नामों को भगवान के नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। चौथा है वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा है हरे कृष्णा महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां है भगवान के नाम के बल पर अपराध करना। आठवां है हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित किसी शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना। नौवां है अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का प्रचार करना। दसवां है भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना तथा इसकी इतनी अघात महिमा सुनने पर भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जपना करना भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले प्रत्येक भक्त को इन सभी अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र अति शीघ्र अभीष्ट सिद्ध अर्थात कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो, जो मनुष्य जीवन का एक परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, भूल न जाना परम लक्ष्य याद रखना, क्योंकि हम लोग क्या है कलयुग के जीव हैं। कलयुग के जीव को बार 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 याद दिलाना पड़ता है। आज इतने दिन हो गए 10 नाम अपराध सुनते सुनते, मैं अभी भी किसी से पूछूंगा ना 10 के 10 बता दो तो नहीं बता पाएगा, शायद मैं भी नहीं बता पाऊँ क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि याददाश्त सब कमजोर है। कले दोष निधे राजन, कलयुग में बहुत सारे दोष है हे राजन। तो ठीक है, प्रवेश करते हम भक्ति योग अपना भगवत गीता की कक्षा में। हमारा अध्याय चल रहा है 15, पुरुषोत्तम योग। पहला और दूसरा श्लोक हमने जिसमें कर लिया, उल्टे पेड़ का वर्णन है जो एक भौतिक संसार है और जो कि प्रतिबिंब है, एक रिफ्लेक्शन है आध्यात्मिक जगत का। जो आध्यात्मिक जगत में है उसका उल्टा यहाँ पे है ना। वहां प्रेम है तो यहाँ काम है, वहां सुख है तो यहाँ सुख का जो है ना खिंचाव है, सुख है नहीं, सुख के पीछे दौड़ दौड़ के हम सूख गए हैं, सुख मिलता नहीं है ना। बस यही काम कर रहे हैं आप, सुख बढ़ाना है, दुखों को दूर करना है, लेकिन दुख बढ़ते चले जा रहे, लोगों के सुख मिल नहीं रहा। जितने भी आज पैसे वाले हैं, आज हम देखते हैं कितने सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं है ना, कितने सारे लोग अपना डिप्रेशन का फोटो ये डाल देते हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ। इतने सारे जो है ना साइकोलॉजी वाले डॉक्टर बड़े पैसा कमा रहे हैं, पैसा लेते, एक एक घंटे का पैसा लेते हैं लोग, चार्ज करते हैं काउंसलिंग का कि आप आइए हमसे डिस्कशन करिए अपनी प्रॉब्लम का, हम आपसे पैसा लेंगे। उनके पास कोई डिस्कशन करने के लिए आदमी नहीं है, पैसा देते हैं और जाके डिस्कशन करते हैं। तो ये स्थिति है इस भौतिक जगत की। भौतिक जगत में सुख है नहीं, तो बेसिकली इसमें शाखाएं हैं, ऊपर नीचे की शाखाएं। ऊपर जो है ऊपर की योनिया की शाखाओं को ऊपर वाली शाखा, नीचे की योनियों वाली नीचे की शाखा। इस शाखी शाखा के अंत जो है वो इंद्रिय इंद्रिया है हमारी, और उसके बाद जो टहनियां निकल रही हैं वो इंद्रिय विषय है ना। तो इंद्रिय विषय है, उसके बाद जो पत्ते हैं वो वेदों के छंद है,
जो पत्ते हरे हरे पेड़ दिखता है ना, हरा हरा एकदम, तो हरा हरा इसलिए दिखता है क्योंकि वेदों के वहां पे छंद हैं, और उन वेदों के छंदों के माध्यम से हम अपने आप को थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस पेड़ से बाहर निकलने के लिए वेद काफी नहीं है। वेदों में सिर्फ अपनी उन्नति, अपनी इच्छा प्राप्ति का ही रास्ता बताया गया है, और जो कि मतलब सही रास्ता बताया गया है उसमें। तो उसमें जो है वेदों के माध्यम से हम अपने आप की अपनी इच्छाओं को, अभिलाषाओं को पूरा कर सकते हैं और उन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे स्वर्ग लोक जाना है या कहीं और जाना है, तो वेदों के माध्यम से वो अनुष्ठान करके, तपस्या करके ऊपर की योनियों को प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें अलग अलग और जड़ें निकली हुई हैं जो शाखाओं को बांध रही हैं, फिर से जमीन से बांध रही हैं, मतलब उनकी सकाम कर्मों को बांधने वाली अलग से और जो है जड़ें निकली हुई है। जड़ मीन्स जड़ जो हो जाता है ना, एकदम बांध देती है जड़ वहां पे, तो वो उसी योनि में अपने कर्मों के प्रति इतना ज्यादा बंध जाता है कि वो वही 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 घूमता रहता है उसी जड़ में, उसी वापस से शाखा में उसका जन्म होगा, फिर वही योनि प्राप्त करेगा, फिर वही काम करेगा, सकाम कर्म का सर्कल उसका चलता रहता है। जैसे हमने चर्चा की थी रजोगुण में, रजोगुण का ये गुण होता है कि वो सकाम कर्म से बांध देता है और फिर से उसको दोबारा मनुष्य योनि प्राप्त होती है, क्योंकि वो उसमें इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है, ठीक है। तो अब जो है ना, अब आगे तीसरे और चौथे श्लोक में हम प्रवेश करेंगे। इसमें इस पेड़ से निकलने का रास्ता बताया गया है, ठीक है। मतलब जो हम भौतिक संसार में फंसे हुए हैं इच्छाओं के कारण, है ना, जो प्रतिबिंब हो रहा है वहां, पानी में प्रतिबिंब होता है पेड़ का, पानी है इसलिए उल्टा पेड़ दिखता है, यहाँ पे इच्छाएं हैं इसलिए भौतिक संसार का जन्म होता है हमारे लिए। तो क्या भौतिक संसार ये झूठा है, ये है नहीं क्या? कि है, जो हम बोलते हैं ये माया भ्रम है, ये भौतिक संसार में कुछ भी नहीं है, ये सब झूठा है, हमको भगवान के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या ये सच नहीं है क्या? हम जो संसार में रह रहे हैं ये भौतिक संसार सच है कि नहीं, वास्तविक में है कि नहीं है, कौन बताएगा? हरे कृष्णा, कोई तो जवाब दो जी। प्रभु माता जी, अच्छा जी है तो लेकिन क्षणिक है, हकीकत है लेकिन क्षणिक क्षणिक है। है, कुछ कोई ज्यादा में ज्यादा 40-50 उसके बाद तो कोई कुछ भी नहीं है ना प्रभु जी। है तो सही है तो हम भक्ति संसार में हम हैं और ये सच है आपके हिसाब से, सही कह रहे हैं। और गौतम प्रभु क्या कहना चाहते हैं? प्रभु जी जैसे अभी बताया कि एक प्रतिबिंब के समान है ये भौतिक संसार, और जैसे कि हमने पढ़े कि एक स्वप्न की तरह भी है प्रभु जी, मतलब ये भौतिक संसार, जिस तरीके से हम सोते हैं कुछ सोने के बाद हमने कुछ देखते हैं तो ये वैसे ही है। नहीं, सच है कि नहीं? स्वप्न तो सच नहीं प्रभु होता, वो तो झूठा। स्वप्न हाँ तो में जो होता है ना वो तो झूठा होता है। स्वप्न जो होता है सिर्फ एक जो है ना, आपको भ्रम में जो है ना, मन की जो है ना वो गतिविधियां होती है, वो सच नहीं होता। लेकिन भौतिक संसार सच है, इसमें है झूठ नहीं है। सारी चीजें हैं जो हम देख रहे हैं, और हम जो, यस सत्यम प्रभु भी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए प्रभु जी। प्रभु हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी जी, ज्वाइन भौतिक किए हैं। संसार है और भगवान ने मतलब जैसे क्या है ना, हमारी इच्छाओं के कारण मतलब भोगने के लिए ये संसार जो बनाया है उसी में हम लोग को भेजा है, क्योंकि तो हमारी इच्छा थी तभी इस भौतिक संसार में आए। हाँ ठीक है, प्रभु जी का कहना है, और ये इच्छाओं के कारण है, हमने इच्छा करी इसलिए भगवान ने ये इसकी रचना की और हमको यहाँ पे भेज दिया। यस राहुल प्रभु क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम जी प्रभु जी। हरे मैं भी यही कृष्णा। कहना चाहिए, भौतिक संसार तो है ही है जो हम पहले भी जानते थे, अब लेकिन आध्यात्मिक में आने से लगता है कि ये तो भौतिक संसार है लेकिन एक प्रकार से झूठी है, एक दिखावा है, एक स्वप्न की तरह ही है, यहाँ कुछ भी सच्चाई नहीं है, ये अब समझ में आता है प्रभु जी।
हाँ ये ये टाइमर बहुत है। अच्छा पॉइंट, बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रभु जी का रियलाइजेशन एकदम परफेक्ट है कि है ये संसार है लेकिन ये असत्य है, ये सब मतलब वाकई में ये सब चीजें ना इनमें इन्वॉल्व होके कुछ होने वाला नहीं है। यह श्री राम प्रभु भी कहना चाहते हैं, कहिए प्रभु जी। जी प्रभु जी, जैसे कि राहुल प्रभु जी ने कहा ये भौतिक संसार है, लेकिन एक तरह का प्रभु जी ये नाटक है, और हम एक पात्र या एक किरदार को निभाने के लिए कुछ समय के लिए आए हैं, और उसके बाद फिर से किसी दूसरे योनि में चले जाएंगे। ये एक नाटक के जैसा है जिसमें हमको कर्तव्य निभाने के लिए दिया गया है। यस रूपाली माता जी बताइए। सुप्रभातम सुप्रभातम प्रभु जी, हरे कृष्णा। अगर सच हरे बोला कृष्ण। जाए ना, बहुत गंदा सच, वी ऑल आर स्टक इन कमोड ओनली। इससे बाहर वो बोलते ना कलयुग का, उसका जो वो है, उसका जो मीन्स शस्त्र है वो अपने शरीर का एक्सक्रीटा है, और अपने लिए जो पासवर्ड है वो राम, मतलब हरे कृष्णा हरे राम जपा है, और वो अपने अंदर वो एक्सक्रीटा का कुछ ना कुछ शेष रख के वो अपने को नचा रहा है प्रभु जी, और ये बिल्कुल फैक्ट है, बहुत बहुत गंदा फैक्ट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता माता जी दे उपमा बहुत ही भयानक दे दी है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव करना चाहूंगा। ये जो है ना माता जी का थोड़ा सा चेंज, मतलब ये एक्चुअल में संसार ऐसा है एक बाथरूम के जैसा, जहां हमको जाना है, अपने कर्म करने हैं, है ना, मल मूत्र त्याग करना है और फटाफट निकल के आना है, ऐसा काम करना चाहिए हमको। उसमें रहना नहीं है, उसमें फटाफट काम करो और निकलो वहां से। तो जो बेचारे संसार में फंसे हुए वो नहीं समझ पा रहे कि निकलना है यहाँ से, वही फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनका पेट खराब हो गया है। हमको दवा मिल चुकी है, फटाफट पेट साफ करो अपना और यहाँ का काम तमाम करो और निकलो। कोई भी बाथरूम में ज्यादा देर रहना नहीं चाहता, वैसे ही हमको इस संसार में ज्यादा देर रहना नहीं है। हमको ये स्वरूप हमारा मालूम है कि हम तो कृष्ण के अंश हैं और एक दिन कृष्ण के पास ही जाना है। ये क्लियर है, हम सबका विजन क्लियर है, हमारा टारगेट क्लियर है। इसलिए भक्त जो होते हैं ना, वो जो है ना कभी भी भक्त निष्काम, भक्त शांत होते हैं, कभी भी जो है ना वो उद्विग्न नहीं होते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मेरे को क्या जाना है। मेरे पास कृष्ण की शक्ति है, मेरे पास कृष्ण है। उनको मालूम है मृत्यु के बाद मेरे को कृष्ण से ही मुलाकात होनी है, कृष्ण के साथ जो है ना संग करने का मौका है मृत्यु, इसलिए डरते नहीं है। ठीक है, यश कुछ गौतम प्रभु कहना चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, मतलब पहले श्लोक में हम पढ़े थे ना, जब अर्जुन को भगवान बोलते कि तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो अब हम आज अपने जो है ना भगवत गीता के सत्र में श्लोक में प्रवेश करते हैं। ठीक है, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। मतलब कृष्ण भक्त जो होता है वो निष्काम होता है, इसलिए वो शांत रहता है। उसको ज्यादा मालूम है, उसको जरूरत नहीं है भौतिक संसार की वस्तुएं आखिर कब तक, एक ना एक दिन तो छूटना है। ये सब माया का खेल है ना, मान प्रतिष्ठा और जो है ना तृष्णा राग संग, ये सब माया का खेल है, एक दिन सब छूट जाएगा, है ना। तो भक्ति मुक्ति ये सब सिद्धि ये सब कामी व्यक्तियों के काम होते हैं, इसलिए वो लोग अशांत रहते हैं। भक्ति मुक्ति कामी सकली अशांत, ठीक है, वो लोग अशांत रहेंगे और कृष्ण भक्त शांत रहेगा, हर परिस्थिति में उद्विग्न नहीं होगा, कभी भी अपने वेगों के प्रति इतना ज्यादा खिंचाव नहीं करेगा। ठीक है, श्लोक क्रमांक 3 और 4, पहले 3 को 3 बार दोहराएंगे फिर 4 को 3 बार दोहराएंगे। ठीक है, पहले मैं पढ़ लेता हूँ फिर साथ में दोहराइएगा। न रूपमस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा, अश्वत्थमेन विश्वविरूढमूलम्,
अश्वत्थमेव अश्वत्थमेव स्वीरो असंग शास्त्रेण दृढ़ेन शित्वा दृढ़ेन शित्वा शित्वा रिपीट करेंगे। नरूपम अच्य तथा उपलब्धते नरूपम तथा उपलब्ध उपलब्धते न अंतः न च आदि न च संप्रतिष्ठा संप्रतिष्ठा अश्वत्थम सुवीरुणं अश्वत्थमेन सवीरो मूलम् असंग शास्त्रेण दृढ़ेन मशंग सत्वेन दृढ़ेन शित्वा शास्त्रेण रूपम अस रूपम अस्य यह तथा उपलभ्यते ततोपलभते न अन्तो न चादिं न च संप्रतिष्ठा नान्तो न असंग चादि शस्त्रेण सर्वी सविरूढमूलम् मूलम् सॉरी ये मैं बोला था अश्वेतमेनम सविरूढमूलम् अश्वत्थमेनम् असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा श्लोक क्रमांक 4। ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी ततः ततः पदं पदं तत्परिमार्गितव्यम् तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् यस्मिन् गता गता न न निवर्तन्ति भूयः निवर्तन्ति तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चादं पुरुषं प्रपद्ये प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिद्धा पुराणी यतः यतः प्रवृत्ति प्रवृत्ति प्रसिद्धा प्रसिद्धानि पुराणी पुराणि ततः पदं तत्तः परिमार्गतिर्व्ययम् ततः ततः पदं पदं तत्परिमार्गितव्यम् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः यस्मिन् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः गतानि तम् एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये तमेव चादं तमेव प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रशस्ता पुराणी यतः यतः प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। अनुवाद। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले
वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना ना पड़े और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण की कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ठीक है, श्लोक को देख लेते हैं एक बार। न रूपमस्य तथो उपलभ्यते, मतलब न रूपमस्य, इसका रूप है नहीं। किसका? अश्वत्थ पेड़ का, जो भगवान बता रहे उल्टा पेड़ है, इसका कहीं कोई रूप दिखा है? न तथा उपलब्ध, ये उपलब्ध नहीं है इस संसार में, ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना इसका रूप ना इसकी उपलब्धता, ये इस संसार में है ही नहीं, आप देख ही नहीं सकते हो। न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा, न इसका अंत है न इसका आदि है और ना ही इसका कोई आश्रय है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठो अहम्, भगवान कहते हैं ना ब्रह्मणा ही प्रतिष्ठो अहम्, अभी पढ़े थे ना 14.27 में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम्, भगवान कहते हैं मैं ही उस ब्रह्म का आश्रय हूँ, उस 14.27 में। यहाँ पे प्रतिष्ठा आ गए, मतलब इसका आश्रय है ना, न च संप्रतिष्ठा, इसका कोई आश्रय ही नहीं है। इस पेड़ का न आदि है न अंत है, न च इसका कोई आश्रय है। ठीक है, अब क्या करें? अश्वत्थम एन, ये जो अश्वत्थ का पेड़ है, ये जो बरगद का पेड़ है उसकी बात चल रही है। सवीरूढ़ मूलम, है ना, इसकी जो मूल है मतलब जड़े जो है ना भयंकर सारी फसी फसी जड़े है ना, इसको क्या कर रहे हैं? असंग शत्रेण दृढ़ नशित्वा, इसको कौन से शस्त्र से? असंग शस्त्रेण, ऐसा शस्त्र है, असंग मतलब हमको संग जो है ना, ऐसे संग, असंग शत्रेण मतलब विरक्ति, असंग करना पड़ेगा विवेक से, वैराग्य से, वैराग्य से, इस वैराग्य के शस्त्र से दृढ़ छित्वा, दृढ़ता से इसका बार 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 वैराग्य से इसको काटने की प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? आगे कहते हैं ततः पदम तत्परिवार गितव्यम, और उसके बाद ऐसे पद, ऐसे स्थिति में जाना चाहिए, खोजना चाहिए, परिमार्ग गितव्यम मतलब ऐसे संग और ऐसे पद का हमको खोज करना चाहिए, ऐसी जगह का खोज करना चाहिए, यस्मिन न गता न निवर्तन्ति भूयः, ऐसी जगह यस्मिन गता, जहां जाने के बाद न निवर्तन्ति भूयः, वापस इधर दोबारा जन्म न लेना पड़े, न निवर्तन्ति भूयः, हम तो पढ़ते हैं ना यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं ममः, वहां जाने के बाद कभी दोबारा आना नहीं पड़ता, वही कह रहे हैं यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, इस भूलोक में, इस संसार में दोबारा उसका जन्म नहीं हो, ऐसा ऐसी ऐसी जगह की हमको खोज करनी चाहिए। तो ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? वो लिखा है तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, ऐसे पुरुष की पूजा करो, ऐसे परम पुरुष को जो है भक्ति में लगो जो आदि पुरुष है, तमेव च आद्यम, आदि पुरुष की पूजा में लग जाओ। कौन है आदि पुरुष? कृष्ण है। यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी, है ना, जो प्रवृत्ति जिसकी, जो इसमें गुण लिखे हुए हैं, भगवान है जिसे, जो अनादि काल से प्रत्येक वस्तु हर चीज के सूत्रपात है, भगवान से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं और वो सबसे पुराण है, सबसे महान है, सबसे सबकी उन्नति, सबकी क्या बोलते हैं उत्पत्ति के कारण है, ऐसे भगवान की शरण में जाना चाहिए। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमको समझ में आता है कि कैसे हम इस भौतिक संसार में जो फंसे हुए हैं इससे निकलना है ना। तो मेरा विचार है एक बार पहले अपन ना तात्पर्य में पढ़ लेते हैं, फिर हम धीरे धीरे इसकी चर्चा करते हैं, या तात्पर्य को पढ़ते पढ़ते भी हम इसकी चर्चा कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हैं। ठीक है, तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद की जय। अब यहाँ स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, ये जो बरगद का पेड़ है इस वास्तविक, इस भौतिक संसार में इसको हम नहीं देख सकते, ना हम इसको कहीं, ऐसा वास्तविक स्वरूप इसका कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है,
और अतः वास्तविक वृक्ष की विस्तार विरुद्ध दिशा में होती है। वास्तविक वृक्ष जो हम देखते हैं वो सीधा होता है, ये उल्टा है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि यह कितनी दूरी तक फैला है और न ही इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। तो जब भौतिक संसार में मनुष्य रहता है ना, तो उसको अपनी इच्छाओं का मूल जो है दिखता ही नहीं। उसको अपनी जो वासनाएं हैं, जो उसकी प्राप्तियां हैं, जिसके लिए वो कार्य कर रहा है, उसका एक्चुअल में कारण उसको दिखता ही नहीं। सही है कि नहीं? क्या हम जो रोज काम कर रहे हैं, रोज सुबह से रात तक बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूं, मैं मेरे साथ वाले हैं, कल भी एक मित्र रात को मेरे को आया मेरे पास मिलने, बड़े दिनों के बाद, बोले मैं बहुत व्यस्त हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, मैंने इधर भी खोल लिया है बिजनेस, उधर भी खोल लिया है, अभी जगदलपुर में भी खोल लिया है। और मैंने कहा कितना कर रहा है, किसके लिए कर रहा है? तो बोले मेरे अब थोड़े बच्चों के लिए कर लेता हूँ। अरे मैंने कहा ऑलरेडी तो है तेरे पास? बोले अब क्या करे यार, काम आ जाता है तो मैं कर लेता हूँ, मेरे को इच्छा थी ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर, अब इच्छा थी ये भी कर लूँ वो भी कर, और उस इच्छा का कारण ही नहीं मालूम है क्यों इच्छा कर रहे हैं। क्योंकि हम उस जड़ों से बंधे हुए हैं, सकाम कर्म की जड़ों ने बांध दिया है हमारी सोच को। हमको ये मालूम ही नहीं है कि हम कर्म पे कर्म, कर्म के पर कर्म पे कर्म, कर्म पे कर्म करे जा रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन जो हमको मिलने वाला, ये सब करके समय खींच रही है पूरी प्रकृति, माया जो है ना, मैं देख रहा हूँ लोगों के अंदर से, लोगों का समय कैसे पूरा का पूरा माया खींच लेती है और उनको कोई होश ही नहीं। वो सोच रहे हैं कि हम काम करके सुखी होना चाह रहे हैं, सुख के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये भ्रम है, सुख तो इस संसार में है ही नहीं। कितने बड़े बड़े हमने एग्जाम्पल देख लिए हमारे सामने। रेमंड का एग्जाम्पल है हमारे सामने। रेमंड का मालिक ने पूरा रेमंड को बनाया, उसके बेटे को दे दिया, अपने बेटे को सब पूरा व्यापार दे दिया, और उसी बेटे ने उसी बाप को घर से निकाल दिया। तो उसने मेहनत की, इतना समय दिया, पूरा जीवन दे दिया, और किसके लिए दिया ये तो समझ ही नहीं पाया, कोई नहीं समझ पाया। और बाद में जब समय निकल जाता है तब कुछ होना नहीं, तब भूल जाता है, तब समझ के परे हो जाता है, तब फिर कुछ करने योग्य नहीं रह पाता, सब खत्म हो चुका है। इच्छाओं का कारण जड़ तक जाना चाहिए कि आखिर मैं ये जो कर रहा हूँ, ये जो मेरी इच्छा है, इससे पूर्ति से होगा क्या, और इससे मेरा क्या हासिल होने वाला है, मेरे जीवन में क्या बेनिफिट मिलने वाला है ऐसी इच्छाओं से। क्योंकि जो भी भौतिक चीजें हैं, जो भी हम इस संसार में प्राप्त करते हैं, वो एक दिन छोड़नी ही है। जब एक दिन छोड़नी ही है तो हमारे साथ जाने वाला क्या है, इस पे चिंतन करना जरूरी है। क्या जाने वाला है मृत्यु के बाद? जो भक्त होता है, जो विवेकवान व्यक्ति होता है, जो ज्ञानशील व्यक्ति होता है, वो अपने गंतव्य की तैयारी करता है। जहां मेरे को जाना है वहां की तैयारी पहले से कर लो। आज अमेरिका जाना है, ग्वालियर जाना है, वृंदावन जाना है, बॉम्बे जाना है, तो तैयारी कर लो पहले से। आज पेटी बना लो, कपड़े डाल लो, पैसे इकट्ठे कर लो, है ना, जो भी चाहिए, जूता चप्पल, गर्मी है ठंडी है तो वहां वैसे कपड़े वस्त्र अपने साथ लेके जाओ। तो जब मृत्यु आनी है तो मृत्यु के बाद वाली जगह जहां जाना है उसकी भी तो तैयारी करनी पड़ेगी। वहां क्या जाने वाला है हमारे साथ, उसके लिए चिंतन करना चाहिए, ना कि इसके लिए कि मैंने ये प्राप्त कर लिया, मैंने वो प्राप्त कर लिया। अपने आप को सिर्फ बड़ा बताने के लिए लोग करे जा रहे हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। तो ये परिस्थिति है लोगों की कि उनको मालूम ही नहीं है कि करना क्या है ना। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है आखिर में। अब जैसे इनका मैंने एग्जाम्पल दिया, अब आखिर में बेटा ने सब पूरा संसार छीन लिया, उसका घर से बाहर कर दिया, अब बैठ के चिंतन करेगा, अब बैठ के सोचेगा कि असली चीज क्या है, अब मैं उसकी खोज करूं।
हैं इस ऐसी समझ में। मैं अमुक का पिता हूं, मैं अमुक पिता का पुत्र हूं, जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्म प्राप्त होते हैं। तो बेसिकली जो है ना, इसमें ये कहने का मतलब है कि अगर हम ये खोजेंगे कि मेरा पिता कौन है, उनका पिता कौन है, उनका पिता कौन है, उनका पिता कौन है, उनके दादा कौन है, उनके दादा कौन है, अगर हम ऐसा चिंतन करेंगे तो हम एक दिन ये समझ जाएंगे कि हम बेसिकली ब्रह्मा जी से ही उत्पन्न हुए। क्योंकि जीवों का सबसे पहला जो उत्पत्ति हुई है, सबसे पहला जो जीव आया इस संसार में, वो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी से ही बाकी सारे जीव उत्पन्न हुए हैं। ये जिस दिन हम धीरे धीरे चिंतन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मा जी ने सारे जो है ना उत्पत्ति करी, सब रुद्रों की उत्पत्ति की, चतुर कुमार की उत्पत्ति की, और जो है दक्ष प्रजापति की, प्रजापतियों की उत्पत्ति की, ताकि विस्तार हो सके संसार में, मनुष्य आ सके, मनुष्यों की जो है योनियां बढ़ें। तो इस प्रकार जो है ना ब्रह्मा जी ही सब चीजों के कारण है। लेकिन एक चीज है कि हम अपने आप को समझते कि मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा संसार है, ये हमको पहचान दी जाती है हमारे परिवार वालों की तरह तरफ से। तो ये पहचान ही एक्चुअल में हमारी गलत आश्रय बन जाता है, हमारे गलत काम कर्मों का। जिस दिन हम ये समझते हैं कि मैं इसका बेटा हूं, मेरा इसका पिता हूं, मैं इसका पुत्र हूं, और मैं तो साहू हूं, मैं तो जो है ना इंजीनियर हूं, मैं तो ये घर का आदमी हूं, जिस दिन ये सारे मिस आइडेंटिटी हमारे अंदर आती है, तब हम विवश हो जाते हैं उस आइडेंटिटी के हिसाब से कार्य करने के लिए। ठीक है, अगर कोई नेता, अगर कोई मोदी के घर में उसका पुत्र होगा, तो उसको अपनी आइडेंटिटी एक प्रधानमंत्री के बेटे के हिसाब से करनी पड़ेगी, और 10 लोग 100 लोग उनसे पूछ परख करेंगे, तो उसको ये अपनी आइडेंटिटी के हिसाब से ही काम करना पड़ेगा कि मैं तो प्रधानमंत्री का बेटा हूँ, आम जनता नहीं हूं मैं तो स्पेशल हूँ, मेरे साथ जो है ना इतने सारे कमांडो रहते हैं, मैं तो इन मंत्रियों के भी ऊपर हूं, मैं जो चाहूँ वो करा सकता हूँ। वो आइडेंटिटी उसके ऊपर थोपी जाती है, और उसी आइडेंटिटी के हिसाब से वो अपना पूरा जीवन चलाएगा। कुछ लोग मैं देखता हूँ कि जो अपना एक आइडेंटिटी मेंटेन करने के लिए ना कर्जा लेते रहते हैं, और अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते रहते हैं, और उस लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वो इतना ज्यादा कर्जे में डूब जाते हैं कि आखिर एक दिन पतन हो जाता है, सब बिक जाता है। ऐसा देखा है हमने, बहुत बार देखा है, बहुत लोगों का होता है कि जबरदस्ती दिखावे के लिए गाड़ी खरीदेंगे, दिखावे के लिए घर बनाएंगे, दिखावे के लिए बड़ी बड़ी पार्टी में जाएंगे, दिखावे के लिए बड़े बड़े कपड़े पहनेंगे, मोबाइल खरीदेंगे। महंगा मोबाइल क्यों खरीद देते हैं? मैंने देखा है ऐसे बहुत से लोगों को जिनके ऊपर कर्जा है, लेकिन खरीदते आईफोन, 80 हजार रुपए का आईफोन, 70 हजार रुपए का आईफोन खरीदेंगे, लेकिन कर्जा है। तो ये किसके लिए खरीद रहे हैं, क्या दिखाने के लिए खरीद रहे हैं, किसको, ये समझना बहुत जरूरी। जो हमारी पहचान है ना, जिसके लिए हम तड़प रहे हैं कि मेरा तो ये स्टेटस मेंटेन हो बाजार में, मेरे को तो लोग जाने कि मैं बड़ा हूँ, बड़ा, मैं बड़ा। उसके कारण आदमी इतना ज्यादा श्रम करता है, इतना ज्यादा परेशान होता है कि अपना सब कुछ खत्म कर देता है। तो ये पहचान से हमको बाहर निकलनी है। क्यों? क्योंकि ये पहचान देने वाले खुद भी मिस आइडेंटिटी में, जो हमारे घर वाले जो हैं, जो हमको ये बताते हैं तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, वो खुद भी एक्चुअल में ग्रस्त है मिस आइडेंटिटी कंसेप्ट से। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि ये भौतिक संसार से हमको कुछ लेना देना नहीं है, ये भौतिक संसार में रहना तो है, लेकिन भौतिक संसार के लिए नहीं रहना है ना, भौतिक संसार में रहते रहते भगवत प्राप्ति करनी है हमारे को, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारी आइडेंटिटी हमको क्लियर होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, और मेरा उद्देश्य कृष्ण की सेवा करके ये सब चक्र से बाहर निकलना, मैं कोई इसमें फंसना नहीं, भौतिक संसार में लोगों के कर्मों में फंसना नहीं है, इसे बाहर निकलना है। तो ये बहुत बड़ा भ्रम होता है एक्चुअल में ना, मालूम भौतिक इच्छाओं का त्याग करना, ये सोच ही नहीं है लोगों में। आज के लोगों से अगर आप किसी से चर्चा करोगे ना कि यार तू इच्छाओं को खत्म कर अपनी, तो वो बोलेगा क्या बात करता है, इच्छाएं क्यों खत्म करेंगे हम,
भोग भोगने की जो इच्छा होती है ना, वो लोगों में इतनी अंदर जड़ बन चुकी है कि अगर हम किसी को बोले कि तू इच्छा अपनी खत्म कर, हमारे जीवन का उद्देश्य इच्छा खत्म करना है, तो कर ही नहीं सकता वो, ये सोच भी नहीं आएगी कि मेरे को मेरी इच्छा खत्म करनी है। उसके अंदर यही सोच है कि मैं इस इच्छा की पूर्ति कैसे करूं, बस यही बोलते, यही सिखाते, जो मन में आए वो करो, जो इच्छा हो वो करो, अपनी इच्छाओं को पूरा करो, यही तो, एक ही तो जीवन है, एक ही तो जीवन है, और इस जीवन में इच्छा पूरी कर लो, फिर दोबारा मिलेगा ना मिले। अरे बाप रे, ऐसे ऐसे कंसेप्ट लोग सिखाते हैं जो कि पूर्ण रूप से गलत है, हमारे आधार को गलत कर रहे हैं, हमारी सोच को गलत कर रहे हैं, हमको विवश कर दे रहे हैं कि इस संसार के प्रति कर्म में फंसते चले जाओ, ये विवश कर रहे हैं, ये इन सब से निकलना है, इच्छाओं से बाहर निकलना है। और इच्छा पूर्ति क्या है, एक भ्रम है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो हम ट्रेन में देखते हैं, एक साइड अगर ट्रेन जाती रहती है, एक खिड़की से देखेंगे तो ऐसा लगेगा हमारी भी ट्रेन चल रही है ना, फिर इधर देखेंगे स्टेशन को तो स्टेशन में तो अरे सब खड़ा है, हमारी ट्रेन तो खड़ी है, लेकिन इधर देखेंगे दूसरी तरफ दूसरी खिड़की में ट्रेन जा रही तो ऐसा लगेगा हमारी भी ट्रेन चल रही। तो ऐसे ही है इच्छा पूर्ति, ये भ्रम है। जिस दिन इच्छा पूर्ति होगी फिर जब दूसरे आदमी को देखोगे अरे बोलेगा अरे ये तो कुछ है ही नहीं, अब तो मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, लेकिन इधर देखोगे इच्छा है, अपनी इच्छाओं को देखोगे तो ऐसा लगेगा वाह वाह आनंदित हो रहा हूँ, लेकिन फिर दोबारा देखोगे जब स्थिर व्यक्ति को तो इच्छा से तो कुछ मिला ही नहीं, वहीं के वहीं खड़े हैं, इच्छा पूरी भी हो गई लेकिन वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये भ्रम है बेसिकली, भ्रम में आदमी फंसा हुआ है, वो अपनी इच्छा पूर्ति करता है, उसको लगता है कि मैंने जो सोचा मैंने हासिल कर लिया, अब क्या, अब क्या, अब क्या, अब दोबारा नई इच्छा खड़ी हो जाएगी, अब नई इच्छा मेरी, अब ये चाहिए, अब वो चाहिए। तो इधर से निकलना है, ये चेन से निकलना है बाहर, यही भगवद गीता का ज्ञान है, और यही हमको भगवान इस रास्ते से निकलने का रास्ता बता रहे हैं कि कैसे निकलना है। तो कैसे निकलना है पढ़ते आगे, है ना। जिन्हें गर्भोदक्षाई विष्णु ने उत्पन्न किया, इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है जहां सारी गवेषणा का अंत हो सकता है। तो बेसिकली पिता का पिता हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है ना। तो लिखा ही है असंगेण असंग शस्त्रेण दृढ़ निश्चित्वा, असंग से इन ऐसे ऐसे संग करें, ऐसे वैरागी वैरागी बने। तो कैसे बनेंगे वैरागी, हम ऐसे आदमियों से संग करके जिनके पास ज्ञान है, ऐसे लोगों से हम उठें बैठें, ऐसे लोगों के साथ चर्चाएं करें जो हमसे ऊपर है भक्ति में, ताकि हमको भी ज्ञान आए, ताकि हम उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। जो उत्तम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी है, उनका संग करें, शास्त्रों को पढ़ें, शास्त्र से ज्ञान जो मिल रहा है उस ज्ञान से हम ऐसी परिस्थिति में आ सकते हैं कि हम इच्छाओं का परित्याग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। और ये तब होगा, इच्छाओं को खत्म तो होंगी नहीं इच्छाएं, लेकिन इच्छाओं का परिवर्तन कर देना है, इच्छाओं को कृष्ण में लगाना है ना कि भौतिक संसार में लगाना है, क्योंकि कृष्ण में लगाएंगे तो वो दिव्य हो जाएगा और वो गुणों से परे है, और भौतिक संसार में लगाएंगे तो वो गुणों के अंदर है और गुणों में बंधते चले जाएंगे हम। उस पेड़ की शाखाएं किससे सिंचित हो रही हैं, गुणों के द्वारा सिंचित किए जा रही है। तो जितना जितना हम गुणों में रहेंगे उतना उतना हमारा वृक्ष फलेगा फूलेगा और हम उसी में बंधते चले जाएंगे। इसलिए हमको निर्गुण क्या संग करना है, निर्गुण कौन है, कृष्ण है, कृष्ण के सारे कर्म निर्गुण होते हैं, तो कृष्ण के लिए सारे कर्म करने की इच्छा रखेंगे तो हम बेसिकली निर्गुण की इच्छा कर रहे हैं, और धीरे धीरे उस वृक्ष से बाहर निकल जाएंगे। उस वृक्ष में निर्गुण की जगह ही नहीं है, वो तो गुणों द्वारा सिंचित है, निर्गुण कहाँ है, ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, आध्यात्मिक जगत में। तो हम वहां के बारे में करेंगे कार्य, उतना इच्छा रखेंगे, वहां के लिए भगवान के लिए चिंतन करेंगे, भगवान का जपा करेंगे, तो हम निर्गुण होते चले जाएंगे और गुणों से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस छंद प्रतिबिंब से विलग हो जाता है, और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित होता है। जो बेसिकली ये भी समझना जरूरी है कि जो हमको प्रतिबिंब दिख रहा है वो तब तक दिख रहा है जब तक पानी है, जिस दिन पानी हट जाएगा प्रतिबिंब नहीं रहेगा,
है ना, अंधेरा आ जाएगा तो प्रतिबिंब हट जाएगा, हमको नहीं दिखेगा, काफी जगह नहीं दिखेगा। तो वास्तविक में जो एक्चुअल पेड़ है वो है, लेकिन प्रतिबिंब वाला पेड़ है नहीं, दिख रहा है खाली, वो भ्रम के कारण दिख रहा है। तो हमको वास्तविक पेड़ में हम जिस दिन प्रवेश कर जाएंगे, जब हम ये ज्ञान हासिल करेंगे, हम अभी प्रतिबिंब में हैं, हम रिफ्लेक्शन में हैं, लेकिन हमको जाना वहां पे है जो शाश्वत है, जो कभी भी खत्म नहीं होगा। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व अत्यंत प्रबल होता है। अतः प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। तो बेसिकली जो कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से जो मारना है उस वृक्ष को, उस कुल्हाड़ी में जो धार है वो विरक्ति की धार है ना। जिस कुल्हाड़ी से काटना है इस वृक्ष को, उसकी धार जो है विरक्ति है, वैराग्य है, यही है, इसे हम इससे निकल सकते हैं। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पद का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य इस छंद प्रतिबिंबित वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। तो ऐसी जगह जाना है जहां से वापस ना आया जाए। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम। भगवान बोलते हैं 15वें श्लोक में, 15.6 में अभी आएगा, न तद् भासते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम। और एक और श्लोक है 8.21, इसमें भी भगवान कहते हैं, अव्यक्तो अक्षरः इति युक्तो अस्माहु परमाम गतिम यह प्राप्य न निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम। मतलब ऐसे धाम में जाएगा तो दोबारा आने की आ ही नहीं पाएगा, है ना। वो भी है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वक्ति तत्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति स्वर्गिनो। उसका दोबारा जन्म नहीं होगा जो मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को जान जाएगा। मतलब ऐसी जगह चला जाएगा जहां जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर हो जाएगा। ठीक है, भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फल स्वरूप प्राप्त होती है। तो जो 9 विधियां हैं उनको हमको फॉलो करना है, श्रवण कीर्तन, श्रवण की नहीं क्या है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। राइट, 9 बोल दिया ना मैंने, तो ये 9 विधियां हैं, इनको फॉलो करके हमको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। इनको फॉलो करना, सबसे पहला आता है श्रवण। श्रवण इज इम्पोर्टेंट, जितना जितना हम सुनेंगे उतना उतना भगवान के बारे में समझेंगे, और जितना जितना भगवान के बारे में समझेंगे हम इस संसार से विरक्त होते चले जाएंगे। ठीक है, आगे कह रहे हैं, इसकी व्याख्या पहले स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभवो, हमने श्लोक पढ़ा ना, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, 10.08 है ना, जिसमें भगवान कहते हैं मैं ही हर चीज का स्रोत हूं, मुझसे ही ये सृष्टि चल रही है, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं सबके ऊपर हूँ, सबका संचालन मुझसे हो रहा है ना। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो ये श्लोक है, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ, अतः इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम इसमें भगवान के संग करेंगे, इससे हम छूट जाएंगे। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, मैंने निकाल के रखे थे, मैं एक श्लोक पढ़ लेता हूँ, मुकुंद माला श्लोक। मुकुंद माला जो कि जो है ना राजा कुलशेखर अलवार ने लिखा है, श्लोक क्रमांक 13, इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ। हे तीनों लोकों के स्वामी, हम इस संसार रूपी अगाध सागर में डूब रहे हैं, जो भौतिक लालसाओं रूपी जल से भरा हुआ है।
जिसमें मोह रूपी अनेक लहरें उठ रही हैं, जो वासना रूपी हवाओं द्वारा विलोड़ित है। इस सागर में पत्नी रूपी भंवर है और हमारे पुत्र तथा भ्राता रूपी शार्कों तथा अन्य समुद्री दैत्यों के विशाल झुंड हैं। हे समस्त वरों के दाता, कृपा करके अपने चरण कमल रूपी भक्ति की नाव पर मुझे स्थान दें। तो मैं इस संसार में फंसा हुआ हूँ अपने और अपने परिजनों के द्वारा, तो मुझे इधर से जो है ना आशीर्वाद दें ताकि मैं निकल सकूं। और श्लोक आता है 37, 37 पढ़ते हैं। 37 का अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इस शरीर का सौंदर्य क्षणिक है, और बुढ़ापे में जब इसके सैकड़ों जोड़ ऐंठ जाएंगे तो इसकी मृत्यु होनी निश्चित है। तो फिर मोहग्रस्त मूर्ख, तू क्यों दवा मांग रहा है? बस कृष्णामृत को ग्रहण कर, जो अचूक उपचार है। ठीक है। और 38 नंबर श्लोक में कहते हैं, मानव समाज का सबसे बड़ा आश्चर्य है यह है कि लोग न सुधरने पर इतने अड़े हुए हैं कि वे नारायण के नामों के जीवनदायी अमृत को छोड़कर अन्य सब कुछ बोलकर विषपान कर रहे हैं। कितना सही बोला नहीं, कितना बड़ा आश्चर्य है। लोगों इतने अपने कर्मों में इतने अड़े हुए हैं, उनको 10 बार बोलो माला कर ले, माला कर ले, नहीं करूंगा बोलता है, टाइम लिए मेरे को। अरे बाप रे, क्या पैसे से क्या कमा लोगे जो भगवान के नाम में नहीं है? एक बात बताओ, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि आपको स्वर्ग ले जा सकता है, ब्रह्मलोक तक ले जा सकता है, जो लोक में आप चाहो उस लोक में भगवान का नाम ले जा सकता है। आप माला करो ना, माला करो और इच्छा रखो कि मेरे को स्वर्ग जाना है, तो स्वर्ग चले जाएंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे जितना भी पैसा कमाएंगे ना, उससे स्वर्ग तक नहीं जा सकते, उससे नीचे ही जाएंगे, यहीं फंस जाएंगे या दोबारा मनुष्य के रूप में ही जन्म लेंगे, है ना? तो नारायण के नामों के जीवनदायी अमृत को छोड़कर अन्य सब कुछ बोल रहे हैं, विषपान कर ले रहे हैं, है ना? और कह रहे हैं 39 नंबर श्लोक में, चाहे मेरे सारे कुटुंबी जन मेरा परित्याग कर दें और मेरे वरिष्ठ जन मेरी निंदा करें, फिर भी परम आनंद में गोविंद मेरे प्राणधार बने हुए हैं। चाहे मुझे घर से निकाल दें, चाहे मेरे को कोई कुछ बोले, चाहे मेरे को निंदा करें, चाहे मेरा परित्याग कर दें, लेकिन मैं हर हाल में कृष्ण का ही नाम लूंगा। और कह रहे हैं कुलशेखर अलवार 42 नंबर श्लोक में, मेरा मन क्षण भर के लिए भी श्री कृष्ण के चरण कमलों से विमुख नहीं हो सकता। चाहे मेरे प्रियजन तथा अन्य संबंधी मेरी निंदा करें, चाहे मेरे वरिष्ठ जन मुझे स्वीकारें या त्याग दें, सामान्य जन मेरे विषय में दुष्प्रचार करें, भले ही मेरे कुल की प्रतिष्ठा कलंकित हो, मुझ जैसे पागल व्यक्ति के लिए यही सम्मान पर्याप्त है कि ईश्वर के प्रेम की इस बाढ़ का अनुभव करूं जो मेरे प्रभु के प्रति आकर्षण का अनुराग लाने वाली। मतलब हर परिस्थिति में सिर्फ कृष्ण का ही मैं संग करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक श्लोक का मैं और वर्णन करूंगा उपदेशामृत में, जो छह कारण है भक्ति की सफलता के, है ना? उपदेशामृत श्लोक नंबर 3, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तथा कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सत्वृत्ते षड्भी भक्ति प्रसिद्धयति। मतलब छह भक्ति के कारण हैं जो सफलता दिलाते, भक्ति में छह कारण से भक्ति हमारी सफल हो सकती। कौन से छह कारण हैं? सबसे पहला कारण है उत्साही बने रहना। हमको हमेशा भक्ति में उत्साह में रहना चाहिए। ऐसा नहीं, अरे बोर हो रहे हैं, 16 माला कैसे होगी, रोज वही 16 माला करेंगे क्या प्रभु जी? रोज सेम, कुछ तो चेंज करो ना, आज तो छोड़ दें, आज तो छुट्टी दे दें। ये कारण जो है ना हमको गिरा सकते हैं। आज एक संडे है प्रभु जी, संडे तो भगवान दुकान भी बंद रहती है, संडे तो पूरी छुट्टी रहती है, तो संडे छुट्टी रहती है तो खाना मत खाओ, एक दिन भूखे हो जाओ, रोज खाना खा रहे हो एक दिन खाना मत खाओ, वो नहीं करेंगे। रोज नहाना धोना है, अपने आप को सुंदर बनाना है, वो रोज करना है, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे। ठीक है, तो उत्साही बने रहना चाहिए। दूसरा निश्चयात, निश्चय ही होना चाहिए आदमी को, दृढ़ संकल्प के साथ अपने प्रयासों में लगा रहना चाहिए। सबसे पहले तो मेरी 16 माला होनी चाहिए प्रभु जी, बस निश्चय, कैसे भी करके सुबह सुबह अपनी 16 माला कर लूं। मैं भी निश्चय तो करता हूँ लेकिन मेरी हो नहीं पाती है, 10-12 तक होती है, फिर बाकी दोपहर शाम में होती है।
क्या करें, धैर्यवान होना चाहिए, धैर्य से के साथ इस कार्य में लगे रहना चाहिए, चाहे कोई आपको मना करे, अरे छोड़ दे पगले, ये तेरी उम्र है क्या, चल घूमने चलते हैं गार्डन, चल मॉल में चलते हैं, पिक्चर देखते हैं ना, नई नई पिक्चर लगी है शाहरुख खान की, आमिर खान की, वो देखते हैं, तो उसमें हमको फंसना नहीं है, धैर्य के साथ, नहीं, मेरा काम नहीं है, मैं भक्त हूँ और ये विषय वासना की चीजें देखूंगा तो मैं उतना विषयी बन जाऊंगा, उतना उतना विषयों में फंस जाऊंगा, इसलिए मेरे को देखना ही नहीं, सिनेमा नहीं देखना, गाने नहीं सुनना, ये सब फंसाने का काम करते हैं। मैं कल कटिंग कराने गया था सैलून में, और गाने बजे जा रहे थे बॉलीवुड के, मैं बाप रे सर दर्द हो रहा था, मैं ये क्या सुन रहे हैं यार, वो बोले मेरा मेरा जीवन तू है, तुझसे बड़ा तो मैंने कुछ पाया नहीं है, तू ही मेरा सनम है, तू ही मेरा जन्म है, तू ही मेरा ये, अरे बाप रे, मेरा कितने मिस कंसेप्ट तो यही गाने में ही आदमी सीख रहा है, क्या जीवन में सीखेगा वो, और यही चलते हैं लोगों के घर में गाने। ठीक है, आगे कहते हैं, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, जो शास्त्रों में बताया गया है उन कर्मों को करना है ना, विधि विकर्म नहीं करना है हमको, गलत काम नहीं करना है, सिर्फ जो सही बात है वही करनी है, किसी के भी संबंध में, किसी के भी प्रेशर में आके गलत बात नहीं करनी है, अभक्तों की संगति छोड़ना है ना, ऐसे लोगों को, विषय वासना लोगों को संग उनका दूरी रहे तो बेहतर है, चाहे कितना ही पैसे वाला हो, चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, उनका संग छोड़ देना। एक बार मैं कथा सुन रहा था इस प्रशांत मुकुल प्रभु की, उसमें कहते हैं कि हमारे आचार्यों ने कहा है कि ऐसे विषयी पुरुष का संग एक जगह हो और एक जगह मगरमच्छ अपना मुंह खोल के बैठा हो, सिर्फ जब आपके पास दो ही ऑप्शन हो, या तो इधर जा सकते या तो इधर जा सकते और कोई रास्ता नहीं बचे, तो भी विषयी आदमी का संग नहीं करना चाहिए, मगरमच्छ के मुंह में जाके प्रणाम करके घुस जाना चाहिए। तो इतना बड़ी बात बोले बोले बोले, विषयी पुरुष जो है ना आपको नीचे गिरा देगा, लेकिन कम से कम मगरमच्छ के मुख में जाएंगे, भगवान का नाम लेंगे तो भगवत धाम जाएंगे, जब दो ही रास्ते बचे हो, विकल्प और कोई नहीं हो, तो मगरमच्छ का मुख ज्यादा श्रेष्ठ है विषयी पुरुष के संग से। कितनी बड़ी उपमा दी है, ये मेरे ख्याल से जीव गोस्वामी ने दी है, मेरे ख्याल से, मेरे को याद नहीं आ रहा। आगे कह रहे हैं, आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना, तो छह विधियां हैं, इन छह विधियों को हम फॉलो करेंगे तो भक्ति में उन्नत हो जाएंगे, तो कुछ श्लोकों को आप लिख लीजिए जो इसके लिए बहुत जरूरी है ना, श्रीमद भागवतम 5.14.1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 32, 38, 43, 44, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 5.14.1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 32, 38, 43, 44, ठीक है, ये श्लोक हैं, ये पढ़ेंगे तो आपको और आनंद आएगा, मेरे वन तो जरूर पढ़े, 15, 14, 1, 5, 14, 1, 1, इसको तो जरूर पढ़ना ही है, बहुत बड़ा अनुवाद है ना, 1-1.5 पन्ने का तो अनुवाद ही है उसका, तो उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, तो कल की क्लास हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी लेंगे, तो आप सबसे विनती है कि जरूर आइए कल की क्लास में, वीडियो ऑन रखिए और समय से पहले आ जाइए, और अपने प्रश्नों को लेके बैठिए, और प्रश्न जो वास्तविक प्रश्न है, भौतिक संसारी प्रश्न ना पूछें तो ज्यादा अच्छा होगा, मेरी जैसे प्रभु जी मैं मतलब भौतिक संसारी प्रश्न जो है, घर वाले साथ नहीं दे रहे, ये नहीं दे रहे, ये सब प्रश्न का कोई मतलब नहीं है ना, मेन प्रश्न होता है जिससे हम हरि की चर्चा करें, हरि का ज्ञान मिले और दूसरों को उन्नति मिले। ठीक है, तो कोशिश करिए सब, और भी अपने दोस्त परिजनों को लेके आइए कल की क्लास में, बड़ा आनंद आने वाला है, हिज ग्रेस तमाल प्रभु भी हमारी क्लास में जुड़ेंगे, वो भी रहेंगे, हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु भी रहेंगे, तो समय से पहले जुड़ेंगे तो मेरे को लगता है स्थान मिल पाएगा, नहीं तो हो सकता है उनके आने पे 100 की लिमिट बाहर हो जाती है, हो सकता है जो है जूम पूरा भर जाए, आपको जगह ना मिले, ये भी हो सकता है। ठीक है, यस राहुल प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी, प्रभु जी जी एक माता बात जी, पूछना है प्रभु जी। हाँ हरे हाँ कृष्णा,
भैया गई है माता अरे जी कुछ जी, ये कौन सा 5, 14 और कौन सा नंबर, मतलब एक, ये कौन सी बुक का है एक, प्रभु जी? हाँ, पांच श्रीमद् चौदह और एक भागवतम, कौन सा श्रीमद् नंबर? भागवतम 5वां कैंटो 14वां अध्याय पहला श्लोक अच्छा, 5वां कैंटो, ठीक, जी। 14 अध्याय, ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। जी माता जी धन्यवाद। यस राहुल प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद पूछ रहा प्रणाम। था कि जी क्वेश्चन आंसर रहेगा कि प्रभु जी क्लास ही रहेगा कल कि? भाई देखिए उनका लेक्चर रहेगा, आधा पौन घंटा लेक्चर होगा, मान के चलिए 7 बजे जैसे अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे उनका वेलकम करेंगे 5, 7, 10 मिनट निकल जाएंगे, उसके बाद 5:10 से पौने 7 बजे तक उनका लेक्चर चलेगा, और 15-20 मिनट हम आधा घंटा 7:15 तक क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। तो ठीक एक है ही कॉन्सर्न हो पाएगा है ना प्रभु सबका? आपके ज्यादा हैं क्या? नहीं, वही पूछ रहा था प्रभु जी, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा ना? नहीं, हाँ 1-2 आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब आपके कोई दिक्कत जी नहीं है, 2 तक भी जा सकते हो, मतलब समय का अभाव रहा तो दिक्कत जाएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। जी वैसे प्रभु जी, प्रभु वही जी पूछ रहा था। कोशिश करते हैं, वो तो पूरा संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं सबको, तो आप जो भी प्रश्न है पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम जी प्रभु जी, हरे जी प्रभु। हरे कृष्ण। यस गौतम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु कृष्ण। जी। जैसे वृक्ष में वेद का जो दिया हुआ था, जैसे वेद में कर्म कांड होते हैं अलग अलग, जो हमारी इच्छा पूर्ति के लिए चीजें होती है, तो प्रभु जी जैसे वेद शास्त्र होते हैं तो उनके द्वारा तो हम भगवान को जानते हैं, मतलब जान पाते हैं। कहाँ जान पाते हैं, वेदों में तो भ्रमित किया जाता है ना, यही तो कह रहे हैं भगवान की जो वेदों की अलंकारमयी भाषा में फंस जाता है, 2रे अध्याय में यही तो कहा गया है। कौन सा श्लोक है? 2nd अध्याय में श्लोक क्रमांक 2 जिसमें बताया गया है कि जो इन वेदों की अलंकारमयी भाषा में फंस जाता है वो समझ ही नहीं पाता कि करना क्या है। कौन सा श्लोक है देखो तो जरा, एंड एंड में है मेरे ख्याल से, 60 से 70 के बीच में आएगा। फोर्टीज में है क्या? 53 है प्रभु जी, 50? 3 हाँ ये लिखा ना 53 बराबर। माता जी ने, जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो बेसिकली वेदों में जो है ना फ्लावरी लैंग्वेज यूज की हुई है, आपको ऐसी बताया जाएगा कि आप ये करो वो करो इससे ये प्राप्ति होगी वो प्राप्ति होगी, उसमें आदमी फंस जाता है ना। और एक श्लोक आता है ना, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, है ना, भव निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। कौन सा श्लोक है ये? 2.45 प्रभु जी, 45 45। 45 को खोलेंगे, 45 इसमें कहा गया है, 1 मिनट 55 खोल गए, हाँ 45 इसमें क्या है, वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है, हे अर्जुन इन 3 गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैत तथा लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। भगवान खुद बोल रहे हैं वेदों में 3 गुणों का वर्णन है, वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज में फंसो मत, इससे ऊपर उठो, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करो। तो ये तो भगवान ही बता रहे हैं, मैं तो नहीं पढ़ा वेदों को, लेकिन स्वयं भगवान बता रहे हैं कि वेदों में अलंकारमयी भाषाएं हैं, वहां पे खाली सुख के बारे में वर्णन है, वहां पे आपकी इच्छाओं की पूर्ति का प्रॉपर एक फॉर्मूला बताया गया कि ठीक है आपकी इच्छा है स्वर्ग जाने की तो आप ये अमुक अमुक इतना यज्ञ कर लो, आपको पुत्र चाहिए तो ये कर लो, आपको शक्ति चाहिए तो ये कर लो, आपको धन चाहिए तो ये कर लो, आपको समाधान चाहिए तो ये कर लो, ये सारी चीजों का मुख्यतः वर्णन है, और उसमें कृष्ण का वर्णन नहीं है।
वहां पे फंसाने के लिए लिखा गया है, परमात्मा लिखा गया, कहीं परमेश्वर लिखा गया, कहीं लिखा है इन सब से परे वो अचिंत्य है, उस शक्ति को ढूंढो। वहां पे कंक्लूजन नहीं दिया गया है कि कृष्ण की भक्ति करो, जो एक वर्ड होता है ना, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम रजा अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, ऐसा कहीं नहीं लिखा है वेदों में कि तुम कृष्ण की भक्ति करो, इस संसार से बाहर निकल जाओगे, अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। वहां फंसाया गया है, परमेश्वर ये है ना, वो ये है ना, वो है ना, वो है ना, वो है, ऐसा लिखा है ना, ये ना वो इस संसार का है, ना प्रकृति का है, ना ये है ना वो है, ऐसा सब वर्णन किया गया वेदों में। तो वो वेदों की लैंग्वेज जो है ना, बड़ी ऐसा टेढ़ी लैंग्वेज है। तभी हम उपनिषद पढ़ते हैं, पुराण मतलब बाकी सारी चीजें पढ़ते हैं, तो उसमें बड़ा मुश्किल होता है समझने में लिखा क्या ही है। इस प्रकार वेदों में नहीं लिखा गया है, वेदों में जी फंसाने के लिए प्रभु लिखा गया। जी। हरे कृष्ण ठीक है, ये सावित्री माता जी कुछ कहना चाह रही हैं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अभी जिस पर भगवान की कृपा ही नहीं होती वो क्या करे। अभी जैसे कि अभी हमारी जो जज है ना फ्रेंड, वो उनकी एक फ्रेंड एडवोकेट है, हाई कोर्ट में एडवोकेट, तो उसके साथ ऐसा घटा कि मतलब उसके मम्मी डैड एक्सपायर हो गए, फिर बाद में शादी हो गई 15 साल में, फिर उसके पति भी एक्सपायर हो गए, तो बच्चे बेचारी अपना करती रही करती रही, भौतिक संसार में फंस गई है, सब करके बड़ा हो गया, घर भी लिया बॉम्बे में दो, फिर बच्चे ने ऐसे बच्चे आजकल कैसे हैं कि विरक्ति करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाती है उनसे, तो वो हो गया, बच्चे लोग उसको ऐसा कर दिए कि मतलब देखते हैं, वो डिप्रेशन में चली गई प्रभु जी। हालांकि वो मानसरोवर मानसरोवर जाके जो हिमालय है ना उधर, दूसरा कुछ है ना चाइना की तरफ प्रभु जी, उधर उधर भी हाँ जाके बनारस में उसने आश्रम बनवाया, लेकिन कृष्ण का कृपा नहीं हुआ तो वो क्या करे। आज के दिन वो डिप्रेशन में है, उसको कुछ अपना ही होश नहीं है, और वो साथ में भक्ति किया पर उसने अलग, बच्चे जो है उसको देखते नहीं है, एक बेटा एक्सपायर हो गया 32 54 36 या 45 का, 45 का होके एक बेटा है वो देखना नहीं चाहता, और हालांकि उन्होंने बॉम्बे में 2 2 BHK घर बनाया, ऊपर नीचे मतलब 2 कितना करोड़ का है बॉम्बे में जगह, लेकिन उसने गलत कृपा नहीं हुई भगवान की, तो वो क्या करे। मेरा कहना ये है जिसको मिला ही नहीं अभी, तो वो सेंस में नहीं है अभी रखती, तो क्या करे। भाई, उनको आप समझा सकते हो कि कृष्ण का चैंटिंग करो, अगर नहीं करना चाह रही चैंटिंग तो प्रसाद खिलाओ, प्रसाद प्रभु से जी धीरे धीरे। दूर है, हमारे से दूर है प्रभु जी, हमारे जो फ्रेंड है वो भी दूर है अहमदाबाद में, वो हम दूर रहते हैं, दूर दूर है प्रभु जी, तो उनको उनको बहन बोलो या तो भगवत गीता की क्लास में आएगी, ज्ञान के बगैर तो ये सब चीजें संभव नहीं है, वैराग्य समझ नहीं आएगा, और कथा नहीं सुनेंगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जीवन में फंसती चली जाएंगी और जैसे डिप्रेशन पूरा का कारण होता चला जाएगा, डिप्रेशन में गई। वो और होता ही जाएगा। अगर वो कृष्ण का इस भगवत गीता का ज्ञान का शरण नहीं लेंगी तो यही होना है, सबके साथ यही हो रहा है जीवन में। आज हम एक नहीं अनेकों लोगों को देख रहे, डिप्रेशन में जा रहे, सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन भगवान की शरण नहीं ग्रहण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि वो सोच नहीं रहे, समझ नहीं पा रहे, देख नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अपनी आइडेंटिटी, मिस आइडेंटिटी जो हमने चर्चा की थी, वही उनका एक कारण है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं इनकी माँ हूं, मैं इनका पिता हूं, मेरे मेरे से ये ले लिया इन्होंने, मेरे पास तो ये है, मेरा सब छूट गया, अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं। अरे तुम्हारा था ही क्या? पुत्र क्या हम पैदा करते हैं क्या? आप एक बात बताओ, कितने लोग हैं, कितने पति पत्नी हैं जो पुत्र प्राप्त पुत्री के लिए प्रयास करे जा रहे करे जा रहे, पुत्र नहीं हो रहा है, तो कौन देने वाला पुत्र? हम नहीं करते पुत्र, पुत्र भगवान देता है। ये जब तक आइडेंटिटी नहीं आएगी तब तक हम मिसकंसेप्ट में जिएंगे। तो प्रभु जी उनको मैं बोलो, दिया था उनको नहीं किया, प्रभु जी मैं दूर क्यों जाऊं, मैं अपने आप से बता रही हूँ, मेरे को ही नहीं मालूम था भगवान क्या है, अभी 2 2.5 साल से पता चला, आप मिले तो इतना अच्छा लगा कि मतलब सच में मुझे रास्ते राह मिल गया, मंजिल मिल गई, तो वो भगवान की कृपा ही नहीं है तो क्या करें, ये बताइए हम हमारी कृपा नहीं हो तो फिर यही है कि उनको प्रसाद दें, बस धीरे धीरे उनके अंदर आ जाएगी, कृपा आएगी, बाकी तो बहुत और कोई दूर रास्ता नहीं। सात स्टेशन दूर है उसे पहचाने, सब जगह जगह बिखर गए हैं, तो वो अभी या सेंस में उनको उनको सेंस। बोलो चैंटिंग करेंगी, एक एक माला तो कम से कम करेंगी आपके कहने पे। और मैंने आपका लिंक दिया था जब आपसे जुड़ी थी तभी उसको दिया, तो तभी वो डिप्रेशन में रहती, दवाइयां खाती, अभी तो बहुत बुरी हालत हो गई है। तो क्लास में नहीं आती क्या? बोलती है क्लास नहीं ज्वाइन करूंगी।
नहीं मतलब सोई रहती है दवाई खाके, डिप्रेशन में ना दवाइयां दवाइयां दवाई खाके, सेंस में नहीं, अभी तो ज्यादा हो गया है, वही बोल रही ना मैं, जिनकी पर भगवान की कृपा ही नहीं होगी तो क्या करेंगे, ये भी बात है ना। अभी मेरे ऊपर ही 2.5 साल पहले प्रभु, पूरी उम्र गुजर गई मेरी, मेरे को नहीं कृपा हुई, नहीं तो मैं भी सब सारे धाम करके आती थी, तो क्या करूं, भगवान की मर्जी के ऊपर कुछ देखिए, नहीं हाँ चलता। देखो, बहुत सही समय में फिर भी भक्ति में आपको जोड़ दिया ना भगवान जी ने। प्रभु जी, वो तो आप मेरे लिए तो आप भगवान भी हैं, मेरे नहीं पास मैं गुरु क्या, नहीं है प्रभु जी, लेकिन आप ही गुरु हैं, अभी क्या करूं, मेरा दीक्षा तो नहीं हो पाया प्रभु जी, मैं तो आप तो सोनिका माता जी मुझे शिक्षा आप देती श्लोक का, आप तो मैं पूरा जिंदगी का बता दे रास्ता, बता दे रहे, पहुंच जाऊंगी धीरे धीरे। हाँ पहुंच जाओगे बिल्कुल। कल कल हमारे मेरे गुरु जी, शिक्षा गुरु आएंगे, उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं कुछ, लेकिन छोटा प्रश्न करिएगा, इतना बड़ा मत करिएगा, क्योंकि काफी लोगों वो के प्रश्न है, ठीक है। उनको जिसको भगवान की कृपा ही नहीं होती वो क्या करे, मेरा वो ही हाँ प्रश्न। बस ये इतना क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कोई एकदम समझाने पे भी नहीं समझ रहा है, डिप्रेशन में चला गया, उनके ऊपर कृपा नहीं है, तो ऐसे लोगों के ऊपर हम कैसे भगवान को जोड़ सकते, कैसे जुड़ सकते, कैसे जोड़े इनको भक्ति में, ताकि इनका भी जीवन उद्धार हो। ये प्रश्न कल पूछ लीजिएगा आप उनसे, है ना, तो और अच्छा आंसर वो दे पाएंगे आपको। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं, समय ज़्यादा हो गया है, 7:15 हो गए आज, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम कभी राम भक्त वृंदि जय, जगत गुरु पाद उपपाद की जय। हरे हरि 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 बोल, हरि हरि बोल हरि हरि। हरि हरि।